हेलो एवरीवन, आज हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। यह जो कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही दुख हमें है। यह इस कविता में द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि हम सब एक ही बाग के फूल हैं और यह जो धरती है हम सब की है, जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक ही धूप हम लोग सभी को मिला है और एक ही जल से हम सींचे भी गए हैं, पले हुए हैं और झूल झूल कर पल्लों में हम एक पवन के, और एक ही पल्लों में, पल्लों मतलब झूला, जिसमें पवन मतलब हवा, जिसमें हम झूले हैं। सूरज एक ही है हमारा, जिसकी किरण उड़ की कली खिलाती है, और हम लोगों का सूरज एक है, जिसकी जो रोशनी है या किरण जो है वो दिल की कली खिलाती है, यानी कि दिल हम लोगों का मिलता है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, और एक ही चांद हमारा है, जिसकी रोशनी के रोशनी सबको नहलाती है, यानी कि सबके ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है। मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से, और एक ही स्वर हम लोग सभी को मिला, यानी कि आवाज़ हम लोग सभी को मिला है। जैसे कि जो भौरा होता है वो जो गुनगुनाता रहता है उसी के जैसे, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं, क्यारे क्यारे, और हम लोगों का रंग रूप अलग है, यानी कि हम लोग कोई कहीं दूसरे जगह के रहने वाला है तो हम लोग रंग रंग के रूप हमारे और अलग अलग हैं, क्यारी हम लोग का अलग रंग रूप है, लेकिन हम लोग और अलग अलग क्यारी भी है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और एक ही उपवन यानी कि एक ही बगीचे का शोभा बढ़ाते हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, और हमारा माली एक है। यहाँ माली जो है गॉड को कहा गया, भगवान को, यानी कि एक हमारा गॉड है और हम एक ही गगन के नीचे रहते हैं। गगन कहा गया है, गगन कहा गया है आसमान को। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, और कांटों से मिलकर यानी कि हम लोग जो बाग में जैसे फूल में कांटे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सब मिल करके रहते हैं, वहाँ पे रहता है सभी को, सभी जितने भी फूल होते हैं, इसी तरह से हम लोग भी हंस हंस कर हम लोगों ने जीना सीखा है। एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा है, और तरह तरह का फूल को अगर मिला करके एक धागा में पिरोया जाए तो एक माला बन जाता है, एक हार बन जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी अलग अलग, हम लोगों का धर्म है, जाति है, रूप है, रंग है, लेकिन हम लोग सभी मिल करके एक ही जगह रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और सभी के लिए सुगंध, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हमारी जो सुगंध है वो सबके लिए है, और जो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो इस कविता में यही जो कवि है वो यही समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य सब हैं, इस धरती में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, और इस मिट्टी में और जल में हम मनुष्य हैं इस धरती के, और हमारा रंग अलग अलग है, पर सभी मिलकर शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन और हम सब एक ही माली के हैं, यानी कि एक ही भगवान के बच्चे हैं हम, और सूरज चंद्र सब एक ही है हम लोगों के लिए, और सबको यही मिला है, और हम किसी भी मुश्किल में हों, लेकिन हम सभी हंस करके उसे उसमें जीना सीखे हैं, और साथ ही साथ एक साथ चल कर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, चाहे वो कितना भी निर्धन हो या अमीर हो, सभी मनुष्य जो है इस धरती पे ही पैदा हुए हैं और यहीं रहते हैं। ये था कविता का सारांश। अब हम लोग आते यानी कि, और यहाँ पे दिया है मैसेज, रंग रूप वेशभाषा बोल चाल तथा खान पान में अलग अलग होते हुए भी सारा संसार एक है। ये वर्ड मीनिंग दिया है, ये आपको कॉपी में लिखना है, यहाँ से हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे कविता से। इसमें अब क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें आप देख सकते हो, पहला लिखा है किसकी किरणें हृदय की कली खिलाती है, सूरज चांद तारे सभी। तो यहाँ पे आप चैप्टर खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा
की किरणें उनकी कली खिलाती है, किरणें यानी कि सूरज, एक सूरज की किरणें खिलाती है, तो इसको हमको पिक करना है। एक हमारा माली, पंक्ति में माली किसे कहा गया है, तो माली किसे कहा गया है, ईश्वर को। उपवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उपवन भारत सॉरी बगीचा दुनिया भारत आंगन किसके लिए किया, ये पूरी दुनिया के को उपवन बताया गया है। किसे एक जैसी धूप मिली है, कवि को, बच्चों को, मानव जाति को, या इनमें से कोई नहीं, तो मानव जाति यानी कि पूरी मानव जाति को। अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए, अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये क और ख, ये आपको पोएम पढ़ करके जो कविता दिया गया उसको पढ़ करके इसको पूरा करना है। आशय स्पष्ट कीजिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, ये आपको हम बता देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये चीज़ भी हम लिख करके आपको दे देंगे, ये आपको कॉपी में लिखना है, आपको यहाँ तक कॉपी में कंप्लीट करना है और ये चीज़ हम देंगे आपको। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।